गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नेक्स्ट चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज। आई होप सो आप सभी ने अपनी फेयर कॉपी में 2.1 कंप्लीट कर ली होगी। वो ग्राफ बेस्ड थी। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो मेरी देखेंगे अच्छे से तो आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी विद योर व्हाट्सएप। ओके, तो आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं एक्सरसाइज 2.2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको अच्छे से अपने फॉर्मूला अपने अच्छे से आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्सरसाइज के अंदर। ओके, तो मैं सबसे पहले लेता हूं लीनियर पॉलीनोमियल 0 ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल 0 ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि मैंने आपको तीन टाइप के पॉलीनोमियल सिखाए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब जो तीनों टाइप के पॉलीनोमियल होते हैं उनके जीरो के अंदर क्या रिलेशन होती है आपस में, ये पढ़ेंगे हम। तो अगर मेरे पास लीनियर होता है ए एक्स प्लस में बी, तो जो उसका जीरो होता है उसका कितने जीरो होते हैं, उसका एक ही जीरो होता है, या उसका अल्फा मान लो या फिर बीटा, मान लेते अल्फा, वो होगा आपके पास सामने माइनस के बी अपॉन में ए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर लीनियर पॉलीनोमियल। किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो क्या होगा, माइनस के बी अपॉन में ए। इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर आपके पास लिखा हो 2x प्लस में 3, कहें फाइंड द जीरो, तो इसका जीरो क्या होगा, माइनस के 3 अपॉन में 2। तो ये रिलेशन है कोफिशियंट ऑफ द पॉलीनोमियल और उसके जीरो के बीच में। क्लियर। अब जो सेकंड है इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसके जीरो में आपस में क्या रिलेशन है, तो वो देखें। जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसके कितनी जीरो होंगे, मैंने आपको बोला था अगर x के जितने भी कोफिशियंट होते हैं, x के जितने भी कोफिशियंट होते हैं, नहीं, x की जितनी भी डिग्री होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, उसकी उतनी ही जीरो होती है। यहां कितनी थी 1, तो 1 इसकी जीरो थी। यहां इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी कितनी जीरो होंगी, 2 जीरो होंगी इसकी, वो मान लेते हैं हम अल्फा और बीटा। तो जो इसकी जीरो होंगी उनका सम किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस में बीटा होगा माइनस के बी अपॉन में ए, एक्स का कोफिशियंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। उन दोनों को जो वो जो उनके जीरो होंगी, इसके रूट होंगे, रूट भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा, उन दोनों की मल्टीप्लाई होगी सी अपॉन में ए के इक्वल। क्लियर सभी को। आप देखें अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसके दो रूट होंगे, मान लेते क्या रूट है वो, लेट कर लेते हैं, मैंने लेट किया यहाँ पे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा एक साइन होता है, ये ग्रीक वर्ड है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा क्या हुआ, सी अपॉन में ए। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1 इक्वल टू 0। जो इसकी जीरो होंगी उन जीरो का प्लस करने के बाद आएगा माइनस के 5 अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1 अपॉन में 2। आप देख सकते हो यहां ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशियंट, और सी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कहते हैं, हम सी कहते हैं।
अब यहां पर आप देख सकते हो, अब दोनों का सम किसके बराबर था, माइनस के बी अपॉन में ए, बी क्या है 5, तो माइनस के 5 अपॉन में 2। सेकंड सी क्या था 1 अपॉन में ए क्या है 2। तो ऐसे निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के रूटों की रिलेशन विद कोफिशिएंट। ये दो फॉर्मूले ये जो आपको याद रखने हैं। थर्ड है जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। तो अगर मेरे पास कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसकी जीरो का इन कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होगा, तो आपको पता है क्यूबिक पॉलीनोमियल कैसे लिखा जाता है, ए एक्स की क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। ये फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलीनोमियल की। तो इसका जो रिलेशन होगा, इसके कितने होंगे, इसके होंगे तीन कोफिशिएंट, कितने होंगे, नहीं तीन क्या होंगे इसके रूट, तीन क्या होंगे इसकी जीरो, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी इसकी 3। तीन मान लेते हैं हम, अल्फा बीटा और ये गामा। ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ जो मैथ में दी होती है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चला आया हुआ है अल्फा बीटा गामा मानने का, तो हम भी वही मान के चल रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो अब तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या होगा, माइनस के बी अपॉन में ए, सेम माइनस के बी अपॉन में ए। इन तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के बी अपॉन में ए। यहां पर बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ए क्या है एक्स की 3 का कोफिशिएंट। अब है तीनों का मल्टी, ऐसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो होगा सी अपॉन में ए, मल्टीप्लाई का सम। और तीनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा वह होगी माइनस के डी अपॉन में ए। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये तीन मेथड ऐसे हैं जो यूज होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। एक बार मैं इसको 2 मिनट फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं। अगर मेरे पास लीनियर पॉलीनोमियल है ए एक्स प्लस में बी, तो वहां पर इसकी जीरो होगी माइनस के बी अपॉन में ए। अगर मुझे निकालना जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक, तो दो जीरो होंगी अल्फा और बीटा, दोनों का सम होगा माइनस के बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा क्या होंगे सी अपॉन में ए। उसके बाद जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होगा, तो क्यूबिक तो 3 होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होंगे माइनस के बी अपॉन में ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होंगे सी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लीकेशन होगी माइनस के डी अपॉन में ए। अब यहां पर मिसिंग भी हो सकता है, मान लो ये ना दे रखा हो, तो इसका मतलब बी क्या हो जाएगा 0। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन में ए। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन में ए। उसके बाद सेकंड पार्ट दे रखा है, उसमें दे रखा है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू 0। तो वहां पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा ये क्या होगा, तो सी अपॉन में ए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर इन क्वेश्चनों में से ही पूछा गया। अब यहां एक चीज और समझ लें, अगर मेरे पास ये दे रखा है तो मैं क्या ये इक्वेशन निकाल सकता हूं, यस। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इट मींस अगर मेरे पास दो रूट दे रखे हैं और वो कहे कि भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिख के दिखाएं, तो आप क्या करेंगे, उन रूट का एक बार प्लस करेंगे, एक बार दोनों को
मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ध्यान रखें प्लस माइनस प्लस, या फिर आप ऐसे कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा और इनकी वैल्यू निकाल के यहां पुट करें, वही सबसे बेस्ट मेथड रहता है। ठीक है, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो इसी के ऊपर बेस है। उसके अंदर सम दे रखा है जीरो, सम दे रखा है जीरो और प्रोडक्ट दे रखा है माइनस की थ्री। सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, समझे? सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखें जिसके अंदर सम है उसकी जीरो का जीरो और प्रोडक्ट क्या है उसका माइनस की थ्री। तो यहां सम ही दे दिया मुझे, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस सम क्या हो जाएगा जीरो, ये एक्स और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा थ्री, तो माइनस के थ्री, ये क्या हो गया जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विच सम इज, विच जीरो सम इज जीरो एंड प्रोडक्ट इज माइनस के थ्री। आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। अब जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें जीरो दे दी, दो जीरो दे रखी हैं, थ्री माइनस के फाइव, थ्री माइनस के फाइव। ध्यान रखें यहां तो उन्होंने सम दे दिया जीरो का और प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन यहां पर तो उन्होंने जीरो दे रखी हैं, तो जीरो दे रखी, सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे सम। तो सम इक्वल टू थ्री प्लस माइनस के फाइव, तो क्या बन जाएगा माइनस के टू, और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट निकालने में थ्री मल्टीप्लाई माइनस के फाइव, तो माइनस के फिफ्टीन। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे प्लस माइनस के टू, एक्स प्लस अल्फा बीटा की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी माइनस के फिफ्टीन। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के टू एक्स माइनस के फिफ्टीन। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑफ जीरो थ्री माइनस के फाइव। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला बेस रखें, फॉर्मूला को बेस बना के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बड़ा अच्छे से आ जाएगा। ये जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर उसने ये कहा, सबसे पहले फाइंड करना मुझे, फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई रिलेशन विद कोफिशियंट। सबसे पहले हमें जीरो निकालनी है, फिर उसकी रिलेशन कोफिशियंट के साथ जो मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको उनके साथ चेक करनी है, वेरीफाई करनी है कि वो ठीक है या नहीं है। तो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स प्लस के टू इक्वल टू जीरो, अपने पास ही मान लेता हूं मैं। अब आपने क्या करना है, इस पॉलीनोमियल की जीरो निकालनी है, फिर उनको कोफिशियंट के साथ वेरीफाई करना है। तो जीरो निकालने का फॉर्मूला क्या है, फैक्टराइजेशन। अगर इसको हम अच्छे से फैक्टर बनाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगी जीरो। तो आपको आते हैं एट क्लास में सीखे, नाइन्थ में सीखे, ऐसे दो नंबर ढूंढे जिसकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो टू, उनका एडिशन क्या हो थ्री, तो क्या होगा टू और वन। जो बड़ा नंबर है उसके आगे साइन हमेशा जो एक्स के आगे वो आएगा माइनस। अब माइनस की मल्टीप्लाई किससे करें कि प्लस आ जाए, माइनस से। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस में टू,
इक्वल टू जीरो। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस के टू माइनस के वन, तो एक्स माइनस के टू इक्वल टू जीरो। अब जिसको फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं आता, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो का, वहां देख सकते हो, वहां मैंने आपको फैक्टर बनाने सिखा रखे हैं। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, एक्स माइनस के टू, तो क्या बचेगा यहां पर, एक्स माइनस के वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, टू और वन। तो ये क्या है, इसके अल्फा बीटा ये दो इसके रूट आ गए, इसके फैक्टर आ गए जो इसको जीरो बनाते हैं। दीज आर अल्फा एंड बीटा। अब मुझे पता है सम क्या होगा, माइनस के बी अपॉन में ए, बी क्या है माइनस के थ्री, तो माइनस ये पहले से है माइनस के थ्री, अपॉन में ए क्या है वन, तो क्या सम आया इसका थ्री, और प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट सी अपॉन में ए, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे। ए क्या है इसके अंदर, ए दे रखा है वन, बी दे रखा है माइनस के थ्री, और सी दे रखा है टू। आप देख सकते हो जो एक्स का कोफिशियंट है वो ए है, जो एक्स का कोफिशियंट है वो बी है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म वो क्या सी, तो सी की वैल्यू कितनी यहां पे टू, ए की वैल्यू कितनी है वन, तो प्रोडक्ट कितनी आई इसकी टू आई। अब आप चेक करो इनके सम करने के बाद थ्री आता है, तो करो सम, अल्फा प्लस में बीटा, टू प्लस में वन, क्या आया थ्री, तो यस वेरीफाई हो गया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा टू इंटू में वन, तो क्या हो गया टू, तो यस वेरीफाई हो गया भाई। तो ऐसे आपने वेरीफाई करना है थर्ड क्वेश्चन। पहले अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बनाएं, फैक्टर बना के वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें, जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वही मेरे पास क्या होगा अल्फा बीटा। फिर जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे सम के लिए, वहां वैल्यू पुट करें ए बी सी की, प्रोडक्ट में रखें, तो उन दोनों का सम उसके सम के क्या आना चाहिए इक्वल, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए उसकी प्रोडक्ट के इक्वल, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब जिसके फैक्टर नहीं बनते, जैसे मैं सेवेंथ पार्ट ले रहा हूं, सेवेंथ पार्ट, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव, ये है। अब इसके फैक्टर नहीं बनते तो इसके इसको कैसे हम सोल्व करें, इसकी भी दो जीरो होंगी, तो इसको सोल्व करने के लिए आप x को एक साइड रखें, थ्री एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फाइव, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फाइव अपॉन में थ्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी रूट फाइव अपॉन में थ्री, ये क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे। अब इनको आप, चलो मैं कंटिन्यू रखूंगा इसको, अभी आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन थ्री तक सोल्व करने हैं, कहां तक, क्वेश्चन थ्री तक, कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी आपको, वो मैं सोल्व करवा दूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जहां तक भी आपके थ्री क्वेश्चन के पार्ट कर सकते हो आप करें, और बाकी मुझे पता है इन क्वेश्चन थोड़ी प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपके सोल्व करवा दूंगा, ओके। तो वैसे थोड़ा देख सकते हैं आप, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या आया मेरे पास, प्लस के रूट फाइव अपॉन में थ्री, माइनस के रूट फाइव अपॉन में थ्री। यहां से आप सम चेक कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।